और इन तमाम बातों के इर्द गिर्द मेरी गुफ्तगू और मेरी तकरीर घूमेगी इंशाल्लाह, बातें समझ में आएंगी तो खुद बहुत गर्दन हिला के ही सही, लेकिन ये हमें बता दोगे कि हम समझ रहे हैं। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह। अभी अभी जनाब मौलाना साजिद साहब से बड़ी अच्छी निजामत सुनी, उनसे पहले अली अपनी बस्ती के खतीब व इमाम से एक दो नाते आपने सुनी, तकरीरें जो हुई बड़े अच्छे अच्छे खिताब, और हमारे दो भाइयों ने बड़ी खिदमत भी की जो साथ में थे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, वो मुअज्जज तजील उलमा हैं, और नाजिम साहब तो बड़े बड़े खुबार शेर सुना रहे थे, हमारे सुना रहे थे, इस रहे थे। बड़े अच्छे अच्छे शेर इन्होंने सुनाए, नाजिम साहब ने बहुत खूबसूरत शेर नात के भी थे, उसमें कुछ मनकबत के भी थे, जज्बाती शेर। तो एक शेर मैं भी सुना दूँ, सुनाइए। मैं मुतरन्निम तो हूँ नहीं, तर्जुमा नहीं पढ़ूँगा, बस सादा अंदाज में आप सुन लें, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। क्योंकि अब मदीने से इब्तिदा करते हैं तकरीर की, दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर, जान आ गई जब गुंबदे खजरा नजर आया। सुभान अल्लाह, ऐसे हल्के से बोलने से काम नहीं चलेगा, जोर से बोलो। ये नहीं सोचना कि हजरत जाएंगे तब हम बोलेंगे सुभान अल्लाह, ये चले जाने के बाद सुभान अल्लाह कहते रहेंगे, ये फोन करके मुआसिफ साहब से कह देंगे कह दिए सुभान अल्लाह, ऐसा मत करना है ना, अभी बोलना। दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर, जान आ गई जब तुम बदे खजरा नजर आया, और बेसाख्ता नजरों में खींची अर्श की तस्वीर, जब सामने सरकार का रोजा नजर आया, जब सामने सरकार का रोजा नजर आया। और सुना तू एक शेर, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत फाजिलो मुहद्दिसे बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु के छोटे भाई अल्लामा हसन रजा खान इरशाद फरमाते हैं, क्योंकि मौत की महफिल है इसलिए कोशिश ये करूंगा कि अशार भी इसी ताल्लुक से और इसी किस्म के हों। अल्लामा हसन रजा खान फरमाते हैं कि जाएगी हस्ती हुई खुल्द में उम्मत उनकी, इंशाल्लाह जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी हस्ती हुई खुल्द में उम्मत उनकी, और कब गवारा हुई अल्लाह को दिक्कत उनकी, पार हो जाएगा एक आन में बेड़ा अपना, पार हो जाएगा एक आन में बेड़ा अपना, काम कर जाएगी महशर में शफाअत उनकी, काम कर जाएगी महशर में शफाअत उनकी। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, बेशक देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, और लावर फिर अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला पट्टी है कोनेन में नेमत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे में उनके, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तकरीर मौत के उन्वान पर हुई, अभी मैंने सुना
हजरत मौलाना साहब को, अरे आप मुझे पता तो नहीं कि आप अच्छा चले गए। मौत के उनवान पर तकरीर सुनी आपने, बड़ी अच्छी तकरीर हुई, उनवान मौत ही करेगा। तकरीर में आपको सुनाता हूँ, पहले हदीस शरीफ सुने। मैं आका इरशाद फरमाते हैं, मम्मात मरीजन मात शहीदा, आका फरमाते हैं कि जो बीमार होकर मरा जी, कैसे मरा? बीमार होकर दुनिया से गया। आका फरमाते माता शहीदा, वो शहादत की मौत पा लेता है। आका इरशाद फरमाते मम्माता मरीजन माता शहीदा, मैं अरबी सुना रहा हूँ आपको हदीस शरीफ की शक्ल में। मम्माता मरीजन माता शहीदा, जो बीमार होकर मरा है, जो दुनिया से बीमारी के आलम में गया, वो शहादत की मौत पाता है। इसलिए कि परवरदिगार आलम बीमारी के अय्याम में उसको तौबा की तौफीक दे देता है। कितनी बार अल्लाह अल्लाह करता है, मम्माता मरीजन माता शहीदा, जो बीमारी के आलम में जाता है, रब उसे शहादत की मौत अता फरमाता है। हमारे सब्र के लिए इतना काफी है कि रब ने उसको शहादत का मर्तबा दिया। दूसरी बात यह है, वहुदिया वरीहा अलैहि बिरिज़्क़िही मिनल जन्नत, आका इरशाद फरमाते हैं सुबह होती है तो उसकी किस्मत का रिस्क जन्नत से उसके पास आ जाता है। वो अपनी कब्र में जिंदगी गुजारता है। हम ये सोचते हैं कि न जाने किस आलम में होगा, किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्या बीती होगी। लेकिन मेरे आका ने तुम्हें तसल्ली दी है और सुकून दिया है, तुम्हारे दिलों को ये सब्र दिया है कि सुनो, ईमान की हालत में मोमिन अगर जाता है, बीमारी के आलम में गया, शहादत की मौत पाता है, और अगर कब्र में पहुंच गया तो तुम्हारा बहनों ख्याल कुछ भी हो, परवरदिगार आलम की जानिब से उसके मर्तबों को इतना ऊंचा कर दिया जाता है कि इन दुनिया वालों को खाने को मिले के ना मिले, उसके पास उसकी किस्मत का जन्नत का रिश्ते पेश कर दिया जाता है। सुबह होती है तब रिश्त आता है, और शाम होती है तब रिश्त आता है। ना रहे तो भीड़, उस पर सुबह शाम जन्नत से रिस्क पेश किया जाता है। हजरात क्यों ना पेश किया जाए, आओ जरा मौत को भी समझिएगा, तकरीर को समझ के सुनिएगा। मैं इत्मीनान से सुनाऊंगा, मोहब्बत से सुनेंगे और सुभान अल्लाह भी बोलेंगे। मौत किस चीज का नाम है? एक शायर तो ये कहता है, अपने उलमा की तवज्जो, शायर कहता, बड़ा पुराना शायर जो पुराने मीलाद खान को खूब पढ़ा करते थे, मेरे जनाजे पर रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हो, गमे नबी में। समझ में नहीं आया शेर, अगर समझ में आया आया होता तो सुभान अल्लाह बोलते। आप ये समझ रहे हो कि मरने वाला मर गया है, आप ये समझ रहे हो कि वो मिट गया है, आप ये समझ रहे हो कि वो खत्म हो गया है, आपने ये समझा है कि वो फना हो गया है, आपने ये समझा है कि वो मिट्टी में मिल गया है, लेकिन नहीं, वो बता रहा है कि दुनिया वालों तुम धोखे में हो, मैं मरा नहीं हूं, मैंने अपने नबी के गम में अपने लिबास को बदला है, अपनी जिंदगी को बदला है, मैंने लिबास को चेंज किया है। और अगर साफ समझना चाहते हो तो यू समझो कि मैंने मकान बदला है, जिस मकान को मकान को आबाद किया। सुभान अल्लाह, सुभान मैंने मकान बदला है, मेरे जनाजे पर रोने वालों, फरेब में हो धोखे में हो, धोखे में हो, मेरे जनाजे पर रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरने वाला बोलता है बगौर देखो, मरा नहीं हो, बोलता मरा नहीं हो, मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया है, मरा नहीं हो, लिबास हस्ती बदला है। दुनिया वाले रोते हैं जब कोई जाता है, भाई रोते हैं जब कोई जाता है, बहन रोती है जब किसी का इंतकाल होता है, बेटी आंसू बहाती है जब बाप जाता है, माँ का इंतकाल होता है बच्चे रोते हैं, घर का कोई साया जाता है तो वाकई घर के अफराद रोते हैं, हर एक की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन मरने वाला रोता नहीं जाता, वो मुस्कुराता जाता है, वो हंसता जाता है, वो कभी कहता जाता है, मेरे जनाजे पर रोने वाले खरीब में हो, पता देखो, मरा नहीं हो, तमें
लिबास हस्ती बदल गया हो। मैंने तो लिबास बदला है, तुम लोग रहते हो मैंने तो लिबास बदला है, मैंने जगह चेंज की है, मैंने तो मकान बदला है। हजरत लोगों ने ये समझा है कि जो मर गया मिट गया, जो मर गया मिट्टी में मिल गया, जो मर गया मलिया मेट हो गया, जो मर गया वो खत्म हो गया, ये समझ लिया कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। हर ताल्लुक तोड़ दिया जाता है, कब्रिस्तान जाना छोड़ दिया गया, उनके लिए इशारे सवाब करना छोड़ दिया गया। मैं कहता हूं मरने वाला मिटता नहीं, मिटता नहीं, कान खोल सुन ले, मरने वाला मिटता नहीं, बल्कि उलमा फरमाते हैं अल इंतकाल मिन मकान इला मकान आखर, वो मिटता नहीं, वो तो एक मकान को छोड़ वो दूसरे को जाके आबाद कर लेता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मकान बदलता है, क्या बदलता है बोलो। अच्छा यूं कह लीजिए, समझ में आ रही बात, सुभान अल्लाह बोलो, क्या करता है वो मकान बदलता है। अच्छा यूं समझ लीजिए, मैं दूसरे अल्फाज में बता देता हूँ, वो मकान बदलता है वो तो जेल खाने से छूट के जाता है। क्या बात है, कहाँ से छूट के जाता है बोलो, कैद से छूट के जा रहा है, वो जेल से छूट के जा रहा है। आप कहेंगे हजरत ये दुनिया जेल है, मैं कहूंगा हाँ ये जेल है, ये कैद खाना है, ये तो धोखे की जगह है। कुरान कहता है वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया भी जिंदगी तो धोखे का सामान है, दुनिया में धोखा है फरेब है। आप बाजार में जाइए धोखा है, आप दुकानों पर जाइए धोखा है, आप मार्केट में पहुंचिए धोखा है, आप सामान में रहिए धोखा है, जहां जाओगे धोखा है। ये दुनिया तो धोखे का सामान है, और अपने आगा से अगर पूछोगे या रसूल अल्लाह ये दुनिया क्या है, तो मेरे आका फरमाएंगे अब दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया तो ईमान वाले के लिए जेल है। बोलो क्या है, मैं एक गहरा मफहूम आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा, ये मत सोचिएगा कि वाकयात नहीं सुना रहे, मैं वाकया सुनाने का आदि भी नहीं है। सुनिए हदीस शरीफ सुना रहा हूँ, मेरे आका ने फरमाया कि दुनिया ईमान वाले के लिए जेल, जेल है, और जब जेल में रहेगा, जब दुनिया में रहेगा, जब जेल में रहेगा तो लिबास कहाँ का होगा, जरा बताओ मुझे, सोच कर जल्दी से, जेल का लिबास होगा। जब दुनिया जेल है तो लिबास कैसा है, जेल का लिबास है। जब दुनिया जेल है तो यहाँ पैरों में बेड़ियां भी है, आंखों पे आपके पर्दे पड़े हैं, आपके हाथों में हथकड़ियां पड़ी है, कैसी हथकड़ियां, आपके गले में न जाने कितनी जिम्मेदारियां है, बाप की जिम्मेदारी अलग, माँ की जिम्मेदारी अलग, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी अलग, कितनी जिम्मेदारियां है, और पैरों में कितनी बेड़ियां है कि आप शरीयत की मैन को पार नहीं कर सकते हो, शरीयत की हदों से पार नहीं हो सकते हो, आपकी आंखों पर पर्दे पड़े हैं। ये दुनिया तो जेल खाना है, जेल खाना, लेकिन मैं बता दूं कि एक पत्ता गुलामी का ऐसा है कि अगर उसको गले में डाल लिया तो कयामत में हर संजीव से नबी की गुलामी का डाल दो, इंशाअल्लाह कयामत से हर जंजीर तुम्हारे पैरों से हट जाएगी। तो दुनिया को मुस्तफा ने क्या फरमाया बोलो, मैं समझाना चाहता हूँ अपने भाइयों को, बुजुर्गों को, दुनिया को आका ने कहा जेल है, क्या है बोलो, जेल, जेल है। तो ये मत समझ लेना कि अपने भाई के पास रह रहे हैं तो हम आजाद लोगों में घूम रहे हैं, नहीं, ये भी जेल में है, हम भी जेल में है, आप भी जेल में है, ये दुनिया तो जेल है। अच्छा हमारा भाई कोई जेल में अगर बंद हो और आप उसको छुड़ाने के लिए जमानत का परवाना लेके पहुंच जाओ, है नजात का परवाना लेके पहुंच जाओ, तो जेल से बाहर निकलने वाला हमारा भाई जरा सोच के बताओ, खुशी खुशी बाहर आएगा कि रोता हुआ आएगा, जरा बताओ, जरा मुझे सोच कर, है खुशी खुशी आएगा, वो जानेगा कि मेरे भाई मुझे जेल से छुड़ाने आ गए हैं, अब तो मैं आजादी की जिंदगी गुजारूंगा, अब जेल का खाना नहीं होगा, जेल के कपड़े नहीं होंगे, जेल का लिबास नहीं होगा, जेल वालों से मुलाकातें नहीं होंगी, अब आबो हवा खुला मैदान
सोचकर जेल से बाहर निकलेगा, मुस्कुराता आएगा, उसके साथ भी वो मुस्कुराता आएगा, वो हंसता आएगा। ऐसे ही दुनिया का जेल खाना है, और तुझे छुड़ाने के लिए हमारे पास मौत ही तो आती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलो के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाने के लिए कौन सी चीज हमारे पास आती है? मौत ही तो आती है, मौत ही तो जमानत का परवाना लेके आती है, मौत ही तो हमें इस जेल से निकालने के लिए आती है। ये मौत आ रही है, इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया अल मौत तोहफतुन लिल मोमिन। गुरु में तो